स्टूडेंट एंड दिस इज द वीडियो नंबर वन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बेटा हम लोग अब जो है मॉडर्न फिजिक्स की स्टडी करने वाले हैं और इसमें हम लोग जो टॉपिक हमारी पहली होगी वो होगा ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है ना। इसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन भी किया है, फिर भी मैं यहाँ बताऊँगा कि लाइट की जब स्टडी हो रही थी तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने क्या है लाइट के बारे में बताया कि लाइट क्या है या लाइट किससे बनी हुई है। सबका अपना अपना ओपिनियन आया हुआ था और लोगों ने उसको क्या है कि लाइट के बारे में एक्सप्लेन किया। अब वो आप पढ़ के भी आए हो। सबसे पहले आपको पता है कि अप्रॉक्सीमेटली 1857 की बात है कि न्यूटन ने लाइट के लिए अपना कॉर्पस्कुलर थ्योरी दिया। पता ना, न्यूटन ने ये माना कि जो लाइट के अंदर जो है लाइट जो है कॉर्पस्क्यूल से मिलकर बनी हुई है, पार्टिकल नेचर है लाइट का। लाइट में क्या है जो पार्टिकल उसने एज्यूम किया उसको कॉर्पस्क्यूल्स माना उसने। और तो न्यूटन ने क्या किया, लाइट को कॉर्पस्क्यूल्स मान के उन्होंने क्या किया, ये देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, इसको उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट था किसका, न्यूटन का, बट न्यूटन ने इन तीनों को एक्सप्लेन कर दिया। बट न्यूटन की जो कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी थी कि लाइट कॉर्पस्क्यूल से मिलकर बनी हुई है, वो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो ये थ्योरी फेल हो गई, ठीक है ना। उसी टाइम पर एक दो साल के बाद जो है उसी टाइम पर 1858-59 में हाइगेंस ने जो है लाइट को वेव माना, हाइगेंस वेव थ्योरी। इसने कहा कि लाइट इज लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है, एक वेव है ये, और वो भी कैसी है, लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है। और इसने कॉन्सेप्ट दिया वेव फ्रंट का, जबकि आपने अभी भी एक्सप्लेन किया था इंटरफेरेंस डिफ्रेक्शन को देखा था, तो ये क्या एक्सप्लेन कर पाया, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया इसने, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट को भी इसने एक्सप्लेन कर दिया, मतलब रिफ्लेक्शन को भी एक्सप्लेन कर दिया, रिफ्रेक्शन को भी एक्सप्लेन कर दिया, इंटरफेरेंस को भी कर दिया और डिफ्रेक्शन को भी कर दिया। मतलब लाइट के जितने भी पहले वाले फेनोमेना वो तो एक्सप्लेन हुए, बाद में जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट को सही तरीके से हाइगेंस ने अपनी लाइट को वेव मान करके पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन ये थियरी कहाँ फेल हो गई कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करने में हाइगेंस की वेव थियरी फेल हो गई, क्योंकि हाइगेंस ने लाइट को तो वेव माना था, ठीक है, बट हाइगेंस की सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि लाइट को उन्होंने मान लिया था कि लॉन्गिट्यूडनल वेव है, जो कि गलत था ये मानना। तो बाद में जो है मैक्सवेल आया और मैक्सवेल ने पूरा प्रॉपर तरीके से बताया कि आप जो लाइट है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं है, लाइट जो है वो ट्रांसवर्स वेव है, लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, ये तीनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है बेटा जी। और इसको उन्होंने बोला कि वेव नेचर ऑफ लाइट। तो बड़ा इंपॉर्टेंट था कि जो हाइगेंस में मॉडिफिकेशन था वो मैक्सवेल ने किया, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो थी मैक्सवेल की ईएम वेव थ्योरी, इसने मैक्सिमम ऑप्टिकल फेनोमेना को डील कर दिया। बहुत हद तक जितनी भी प्रॉब्लम थी लाइट के केस में, वो क्या है लाइट के फेनोमेना में, वो मैक्सवेल ने एक्सप्लेन कर दिया। तो लाइट को क्या माना गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कैसी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इसमें क्या था, इसने क्या क्या कर दिया एक्सप्लेन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तो एक्सप्लेन किया ही किया है, रिफ्रैक्शन भी किया, इंटरफेरेंस भी किया, डिफ्रेक्शन भी किया, और पोलराइजेशन ऑफ लाइट भी कर दिया। तो मैक्सवेल की ये पूरे जो ऑप्टिकल फिनोमेना आपको यहाँ दिख रहे हैं वो मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी से पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिए गए। और बाद में फिर ये कहा गया कि मैक्सवेल की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी है यही सही है, और लाइट के नेचर को यही मान लिया गया कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है बेटा जी। अब उसी टाइम पर एक साइंटिस्ट का नाम था हर्ज ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये दिखाया कि जो मैक्सवेल जो बोल रहे हैं, ये मैक्सवेल ने जो बोला है कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो बिल्कुल सही बोला है। और हर्ज ने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है।
तो कहीं ना कहीं हर्ट्ज ने क्या किया, मैक्सवेल की थ्योरी पर मोहर लगा दी कि आप बिल्कुल करेक्ट हो, लाइट का यही नेचर है कि वो वेव नेचर में है, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो। बाद में क्या हुआ, हर्ट्ज एक दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे कि लाइट को, वो जो लाइट को ना मेटल पे गिरा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, ठीक है ना। ये जो इलेक्ट्रॉन लाइट के गिरने से, मेटल सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो लाइट का नेचर उन्होंने देखना चाहा, क्या नेचर इस टाइम पे है। तो जब लाइट को उन्होंने वेव माना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव माना, तो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सप्लेन नहीं हो पाया, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रॉन जो मेटल से निकल रहे हैं, है ना, ये भी एक लाइट का फेनोमेना है कि लाइट आएगी, मेटल पे पड़ेगी और उसमें से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देगी, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगी, अगर सुटेबल लाइट आ रही है तो। ये लाइट का मेटल पे गिरना और इलेक्ट्रॉन का बाहर निकालना, ये जो फेनोमेना है, ये मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी से एक्सप्लेन नहीं हो पाया। अगर लाइट को वेव वो मानते थे, तो ये जो फेनोमेना हो रहा था, इलेक्ट्रॉन निकल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक कर रहे थे वो, ये सब चीज़ें क्या है, वेव के कॉन्सेप्ट को लेके एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तब प्रॉब्लम हुई कि फिर लाइट की प्रॉब्लम आ गई, लाइट क्या चीज़ है, यहाँ पर तो एक ऐसा फेनामिना इनको दिखा जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी से एक्सप्लेन ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। इसके बाद जो है, उसी टाइम पर एक साइंटिस्ट का नाम था प्लैंक, मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक ने एक अपना अलग ही कॉन्सेप्ट दिया। क्या दिया उन्होंने, उन्होंने कहा कि प्लैंक्स क्वांटम थियोरी में उन्होंने कहा कि लाइट हैज पार्टिकल नेचर। लाइट क्या है, लाइट के पास पार्टिकल नेचर है, लाइट वेव नहीं है। मैक्सवेल ने, प्लैंक ने बोला, प्लैंक ने बोला कि लाइट वास्तव में क्या है, पार्टिकल है, लेकिन ये पार्टिकल वो पार्टिकल नहीं है जो न्यूटन ने बताया था, कार्पस्क्यूल्स नहीं है। इसका नाम उन्होंने दिया फोटोन। क्या नाम दिया इसका, फोटोन, पैकेट ऑफ एनर्जी। फोटोन क्या, लाइट जो है ना, पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में चल रही है, पार्टिकल के फॉर्म में चल रही है, डिस्क्रीट है, सब मिली नहीं है, मिक्स नहीं है, वो डिस्क्रीट है, वन फोटॉन, टू फोटॉन, थ्री फोटॉन, तो पार्टिकल नेचर में है। उस फोटॉन को बोला गया एनर्जी का वो पैकेट्स है, वो फोटॉन एनर्जी के पैकेट्स को लेके चल रहे हैं, जिनको बोला गया क्वांटा, ठीक है बेटा जी। तो ये पार्टिकल नेचर हो गया। अब प्रॉब्लम ये आएगा कि उधर मैक्सवेल बोल रहे हैं कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इधर प्लैंक बोल रहे हैं ये पार्टिकल नेचर है, ये काफ़ी प्रॉब्लम की बात थी कि वास्तव में लाइट क्या है, पार्टिकल है कि वेव है, ये बात लोगों को उस टाइम पे समझ में नहीं आ रही थी। तो एक फिर उस टाइम पे एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था डी ब्रोगली। क्या नाम था उनका, उनका नाम था डी ब्रोगली। इन्होंने बताया कि भाई आप लोग फाइट मत करो, ये मत कहो कि वेव नेचर, ये मत कहो कि पार्टिकल नेचर, वास्तव में लाइट क्या है, ड्यूअल नेचर है, मतलब पार्टिकल भी है और वेव भी है। वो डिपेंड करता है कि कौन सा फेनामेना हो रहा है, अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, डिस्पर्सन हो रहा है, या तो डिफ्रैक्शन हो रहा है, ये सारे फेनामेना लाइट को वेव मानना पड़ेगा, लाइट वेव नेचर में ये सारे फेनामेना हो रहा है। लेकिन अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रमन इफेक्ट, इन सब चीज़ों को अगर आपको एक्सप्लेन करना है, तो लाइट को पार्टिकल लेके चलना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा लाइट जो है पार्टिकल नेचर है। यानी अब कहा गया कि लाइट हैज ड्यूअल नेचर, वन इज द वेव एंड अदर इज द पार्टिकल। तो ऑप्टिकल जो फेनामेना है, कुछ ऑप्टिकल फेनामेना लाइट के जो ऑप्टिकल फेनामेना है वो जो वेव से एक्सप्लेन होते हैं, और कुछ ऑप्टिकल फेनामेना जो है पार्टिकल से एक्सप्लेन होते हैं। लाइट को पार्टिकल यानी फोटॉन मानना पड़ता है, ठीक है ना। अब ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अब हम जो फोटॉन्स की बात किए, जो फोटॉन है पैकेट ऑफ एनर्जी, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो देखिए फोटॉन ऑलवेज ट्रेवल एट स्पीड ऑफ लाइट, ये तो बता चुका हूँ कि फोटॉन तो लाइट ही तो है, वैक्यूम में क्या स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा। फोटोन के पास जो रेस्ट मास होता है वो जीरो होता है, क्योंकि हम मानते हैं कि भाई क्या बोलते हैं कि लाइट कभी रुकती नहीं है, इसलिए हम रेस्ट मास क्या लेके चलते हैं, उसका
जीरो। तो बच्चे कहते हैं कि भाई सर काइनेटिक मास क्या होगा, रेस्ट मास अगर आपने जीरो कर दिया तो क्या काइनेटिक मास होगा, फोटोन चलते हुए मास रखेगा? तो ये सेंसलेस चीज़ है, इसके बारे में बिल्कुल है अनडिफाइंड होता है मास उसका, काइनेटिक मास उसका अनडिफाइंड होता है, चलते हुए फोटोन कोई मास की बात ही नहीं करते, ठीक है ना, क्योंकि लाइट है वहाँ मास की बात ही नहीं करनी है। हाँ, रेस्ट में वो नहीं आ सकता, इसलिए हम मानते हैं कि उसका रेस्ट मास क्या है, फोटोन का जीरो है। हर फोटोन एक डेफिनेट एनर्जी रखेगा और उसकी अपनी अगर एनर्जी है डेफिनेट, उसके पास अपना डेफिनेट मोमेंटम भी होगा। अब फोटोन के पास मोमेंटम आ गया बेटा जी, जैसे आपने कहा था कि क्लासिकल थियोरी में न्यूटन ने बताया था कि जो मोमेंटम होता है ये, जो मोमेंटम होगा वो मास इनटू वेलोसिटी होगा, ये कहती है क्लासिकल थियोरी। तो मैं आपसे बता दूं कि ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन मोमेंटम के लिए मास का होना जरूरी है, बट अगर हम लाइट ऑप्टिकल की बात, लाइट की बात करते हैं, तो लाइट के केस में क्या है, लाइट के पास मोमेंटम भी है, फोटोन के पास मोमेंटम भी है, मास नहीं है लेकिन मोमेंटम है। वास्तव में मोमेंटम किसका नेचर है, पार्टिकल का नेचर है। तो कैसे है, बिना मास के कैसे मोमेंटम आएगा, उसके बाद हम बताते हैं। देखो तो एनर्जी का क्या कैलकुलेशन है, ई इक्वल टू एच न्यू, एच न्यू का मतलब न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, और एच आपका क्या है प्लैंक कांस्टेंट, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू है, आप यूनिवर्स में कहीं भी जाओगे इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है, ठीक है बेटा जी। और वो वैल्यू यहाँ पर पॉइंट आउट किया मैंने, 6.63 इंटू 10^-34 जूल सेकेंड है, जूल पर सेकेंड नहीं बोलना है, जूल सेकेंड है। और वेवलेंथ ऑफ फोटोन सब कुछ आपको दिया गया है। मोमेंटम कैसे निकालेंगे, मोमेंटम ऑफ फोटोन, तो मोमेंटम ऑफ फोटोन होता है एच बाई लैम्डा, डायरेक्ट प्लैंक कांस्टेंट अपॉन वेवलेंथ ऑफ फोटोन रख करके कैलकुलेट करो, आपको फोटोन का मोमेंटम मिल जाएगा। और पक्का है कि अगर फोटोन के पास मोमेंटम है तो वो फोटोन किसी भी सरफेस पर गिरेगा तो फोर्स एग्जर्ट करेगा, वो फोर्स की वैल्यू बहुत कम होगी लेकिन फोर्स एग्जर्ट करेगा, ये मोमेंटम है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, फोर्स होता है, तो फोर्स एग्जर्ट करेगा, उसको बोलते हैं रेडिएशन प्रेशर बोलते हैं, वो हम बाद में आपको डिस्कस करेंगे। अभी या तो आप एच बाई लैम्डा रखो, फोटोन का मोमेंटम रखो, और मोमेंटम क्या है, मोमेंटम वास्तव में किसका नेचर है, मोमेंटम नेचर है पार्टिकल का, ये पार्टिकल नेचर है, पार्टिकल नेचर है ये। और ये क्या है बोलो, ये है वेव नेचर। यही तो डी ब्रॉगली ने यही निकाला कि भाई मोमेंटम क्या है, पार्टिकल नेचर है, और लैम्डा क्या है, वेव नेचर है। पार्टिकल और वेव आपस में रिलेटेड हैं, जहां पर पार्टिकल होगा वहीं पर वेव होगा, और जहां पर वेव होगी वहीं पर पार्टिकल, मतलब लाइट के पास मोमेंटम भी है और वेवलेंथ भी है, इसका मतलब लाइट पार्टिकल नेचर में भी है और क्या है, वेव नेचर में भी है। अगर हम सी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो मोमेंटम क्या होगा, ई बाई सी होगा, कई बार क्वेश्चन इसमें भी पूछा गया है, टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन, मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन अपॉन क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, वो मोमेंटम ऑफ फोटोन निकल के आ जाएगा, ठीक है बेटा जी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, आपने पॉइंट आउट किया। अब इसकी चौथी जो प्रॉपर्टी है, अ फोटोन कोलाइड विद द मटेरियल पार्टिकल, अगर फोटोन किसी मटेरियल पार्टिकल से कोलाइड करता है, ठीक है, तो जो टोटल मोमेंटम है फोटोन का वो कंजर्व होगा, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या होगा, हमेशा कंजर्व होगा। इसका मतलब पार्टिकल का ये, अगर आपका फोटोन है, ये अगर आपका फोटोन है मान लो, ठीक है, और ये अगर आपका मतलब पार्टिकल है, तो फोटोन पार्टिकल का कोलिजन कैसा होगा तुम्हारा, ये इलास्टिक कोलिजन होगा, परफेक्टली इलास्टिक होगा, कैसा होगा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है ये, ठीक है ना। तो टोटल मोमेंटम रिमेंस कंजर्व, सच कोलिजन आर नोन एज इलास्टिक कोलिजन या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ठीक है बेटा जी, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। नंबर ऑफ फोटोन आर नॉट कंजर्व, नंबर ऑफ फोटोन कंजर्व नहीं होते हैं, याद रखना कि नंबर जो है फोटोन के नंबर घटते बढ़ते रहते हैं। जैसे मान लीजिए हम, आप किसी बॉडी पर मान लो
10 फोटॉन्स गिरे, उस बॉडी ने क्या है 2 फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर लिया, तो कितने बचे, सिर्फ 8 फोटॉन बचे। तो फोटॉन तो कंजर्व रहा नहीं, नंबर तो खत्म हो गया, नंबर तो कम हो गया, इसलिए नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या कंजर्व नहीं होता है। एनर्जी ऑफ वन फोटॉन हाउ कैन कैलकुलेट, जो लाइट से एनर्जी आ रही है उसमें जो एक फोटॉन है उसकी क्या एनर्जी होगी, तो एनर्जी ऑफ वन फोटॉन होता है E इज इक्वल टू एच न्यू, है ना, और न्यू होता है C बाई लैम्डा, ठीक है ना। अब जो फोटॉन, फोटॉन की अपनी वेवलेंथ होगी, तो फोटॉन की वेवलेंथ ले लेंगे, एच ले लेंगे, सी लेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो एक फोटॉन की एनर्जी निकल जाएगी, ठीक है बेटा जी। तो ये सब सारी वैल्यू पुट कर दिया हमने, ये सब किस में आएगा, आंसर आएगा जूल में, ठीक है। अब एनर्जी के पास अभी दो, ये जब कैलकुलेट करोगे आप, ये ऊपर की वैल्यू बहुत ही कम आने वाली है, क्योंकि लैम्डा किस में है, मीटर में है, ये 10^-10 होगा। मान लो -10 को आप ऊपर ले गए तो हो जाएगा प्लस, अब +10 और 8 भी प्लस में, 18 आ जाएगा, फिर भी यहाँ पर -34 है, जब उसको माइनस करोगे तो यहाँ पर लगभग -14 या -15 आने वाला है यहाँ पर 10^10। तो ये एनर्जी ऑफ वन फोटॉन बहुत ही छोटी आने वाली है, बहुत ही कम एनर्जी आने वाली है। इसीलिए जब फोटॉन की एनर्जी की बात करते हैं हम, तो हम जो एनर्जी की यूनिट होती है उसे हम छोटा लिखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि छोटा अगर एनर्जी, बहुत ही छोटी एनर्जी है तो जूल में लिखने कोई मतलब नहीं हुआ। जैसे आप कहते हो ना कि हम जब डिस्टेंस को मेजर करते हैं रास्ते के लिए तो उसको नापते हैं किलोमीटर में, ठीक है ना, लेकिन जब कपड़ा मेजर करना होता है तो उसको नापते हैं मीटर में, ठीक है ना। अब किसी छोटी वस्तु, छोटे ऑब्जेक्ट को मेजर करना है, पेन को करना है, कैप करना है, उसको मेजर करते हैं सेंटीमीटर में। तो जैसी साइज होती है ना ऑब्जेक्ट की, वैसे हम क्या यूनिट को हम चेंज करते रहते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर फोटोन की एनर्जी बहुत छोटी है, बहुत ही कम एनर्जी है, तो अगर बहुत कम एनर्जी है तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो एनर्जी है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है, ठीक है, लेकिन स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसे डिफाइन कैसे करते हैं, मान लो ये पॉजिटिव है प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, अब इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट है, कितना है 1 वोल्ट है, इसमें इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, ये इलेक्ट्रॉन क्या करने लगा, एक्सेलरेट करने लगा, ये इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी गेन करेगा वो कितनी करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गेन करेगा। तो हमने क्या लिखा है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड इन 1 पोटेंशियल डिफरेंस, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, यानी 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में इलेक्ट्रॉन को अगर छोड़ दो, जो एनर्जी वो एक्वायर करेगा, गेन करेगा, दैट एनर्जी इज नोन एज व्हाट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन इसका है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10^-19 जूल। इसको आप याद रखोगे तो आपको ये हेल्प करेगा आगे चल करके। अब यह देखिए जैसे बार बार मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एनर्जी ऑफ वन फोटॉन को अगर कैलकुलेट करना है तो डायरेक्ट आप रखो 12400, है ना, 12400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आएगी। तो कभी भी आपको फोटॉन की, अगर फोटॉन की वेवलेंथ अगर आपको दी गई है तो यहाँ पर रखो उसकी वेवलेंथ, है ना, इस नंबर से डिवाइड करोगे वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ जाएगी। और उसको अगर जूल में निकालना है तो आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। और अक्सर न्यूमेरिकल में आप देखते हो कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो एंगस्ट्रॉम में ही आपको दिए होते हैं, लैम्डा की वैल्यू क्या है एंगस्ट्रॉम में ही दी होती थी। एंगस्ट्रॉम अगर दिया हुआ है तो फोटॉन की एनर्जी बड़ी आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। अगर नैनोमीटर की बात करो तो 12400 अगर नैनोमीटर में, तो 0 कम कर देंगे। तो इस तरीके से वेवलेंथ जिसमें दी हुई होगी उसके एंगस्ट्रॉम में या तो नैनोमीटर में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकाल देंगे। बाद में अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो वो भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और देखिए फोटॉन क्या है, एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। फोटॉन क्या होता है बेटा जी, एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है, वो आपने पॉइंट आउट कर दिया, ठीक है ना। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। अब बेटा एक टॉपिक बड़ी इंपॉर्टेंट है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये आपका 7वां प्रॉपर्टी आएगी। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट की मीनिंग क्या है ये आपको मैं समझा देता हूँ पहले, ठीक है ना। सबसे पहले मान लो कि यहाँ पर ये, यहाँ पर एक बल्ब है मान लो, या एक सोर्स यहाँ पर है, ये आपका पॉइंट सोर्स है, कैसा है आपका, ये आपका पॉइंट सोर्स है, ठीक है ना।
इसकी पावर जो है वो पी है। इसकी पावर क्या है, ये पॉइंट सोर्स की पावर पी है। तो ये पता आपको है कि अपने चारों तरफ एनर्जी निकालेगा, है ना, 3D में ऐसे। मान लो अगर आपसे कहा गया कि किसी पॉइंट कोई पॉइंट है जो कि यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है बेटा जी, डी डिस्टेंस पे है, है ना। इस डी डिस्टेंस पे इस लाइट जो जा रही है ना, लाइट, इस लाइट की इंटेंसिटी इस डी डिस्टेंस पे क्या होगी, तो यहाँ पर इंटेंसिटी जो होती है वो आई इज इक्वल टू होगा पावर जो दिया हुआ है अपॉन ये होगा 4πd2। ऐसा क्यों, क्योंकि आप क्या करोगे कि पॉइंट सोर्स से लेकर के जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालनी है, है ना, उसको रेडियस एज्यूम करोगे और एक बनाओगे स्फीयर, क्या बनाओगे, एक बनाओगे स्फीयर बनाओगे ऐसे, है ना। अब यहां पर जो इंटेंसिटी होगी वही इंटेंसिटी यहां भी होगी, वही इंटेंसिटी यहां भी होगी। तो जो स्फीयर बनाया आप, इस स्फीयर की जो एरिया है वो क्या है, पाई डी स्क्वायर। तो पावर अपॉन एरिया ही क्या है, इंटेंसिटी कहलाती है। ये कहेंगे पावर अपॉन एरिया, ठीक है बेटा जी। आई थिंक मेरी बात समझो, अगर इसकी यूनिट की बात करें तो कहोगे जूल, है ना, पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला है किसी भी, तो यहाँ से कह सकते हो कि इंटेंसिटी वास्तव में डिस्टेंस के साथ जो है ना पॉइंट सोर्स की इंटेंसिटी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होती है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये चीज़ याद रखो कैसे निकालते हैं, ये अपने मन से बनाते हो स्फीयर बना करके आप इसको, ये 4πd2 निकालते हो। जैसे मान लीजिए आपने आपसे किसी ने कहा कि मान लीजिए आपका सोर्स है, है ना, पॉइंट सोर्स है, अब यहाँ से ये पॉइंट पी है, आर डिस्टेंस पे क्या होगी इंटेंसिटी, तो आप क्या बोलोगे, आई इज इक्वल टू क्या लिखोगे डायरेक्ट, पावर अपॉन 4πr2, ठीक है ना, जिससे आपको कोई डाउट नहीं है, ठीक है बेटा जी। ये तो आपने ले लिया पॉइंट सोर्स की इंटेंसिटी किसी डी डिस्टेंस पे, ये आपका क्या हो गया पॉइंट सोर्स, ठीक है ना। अब आपसे अगर बोलूँ मैं नेक्स्ट पॉइंट कि अगर लाइन सोर्स है तब क्या होगी, दूसरा अगर आप इच्छा आपकी ट्यूब लाइट है ना, तो अगर लाइन सोर्स है तब इंटेंसिटी डिस्टेंस पे कैसे डिफाइन करेंगे, तो डरने की बात नहीं बेटा, ये सिंपल इसका रिलेशन देखना है, इसमें कुछ करना नहीं है आपके पास। ये देखो लाइन सोर्स आपका, ये ए और बी, ये आपका लाइन सोर्स है। आप कहोगे सर डी डिस्टेंस पे जो इंटेंसिटी यहाँ आई मिलेगी वो किसकी होगी प्रोपोर्शनल, डी के, सिंपल डी के, ठीक है ना। इन दोनों में यही फर्क है, मैक्सिमम ये वाला क्वेश्चन पूछा गया आपका है पॉइंट सोर्स वाला। ये कभी कभी आपसे पूछ लेगा तो आई और डी में क्या रिलेशन है फॉर लाइन सोर्स, तो आप बता दोगे आई और डी आपस में क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है बेटा जी। तो ये तो आपका हो गया इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर, ठीक है ना। अब देखो जैसे मान लीजिए अब तीसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग, थर्ड पॉइंट समझने के लिए। से मैंने कह दिया आपसे कि मान लो एक पॉइंट सोर्स यहाँ पर है जिसकी पावर क्या लिया आपने, जिसकी पावर आपने पी ले लिया, है ना, ये आपका पॉइंट सोर्स, ठीक है। अब आपने दो स्फीयर्स बनाए समझने के लिए ऐसे, ऐसे एक की आपने क्या लिया रेडियस, आर वन लिया, दूसरे क्या लिया रेडियस आपने, आर टू लिया, ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछूं बताइए कि पहले सरफेस पर इंटेंसिटी मान लो आई वन है, दूसरे कितनी मान लो आई टू है, क्योंकि पावर है तो लाइट निकलेगी, तो बताइए पहले सरफेस पर इंटेंसिटी ज्यादा होगी कि दूसरे पे होगी, तो ऑब्वियस है आपको कहोगे सर तो कोई दिक्कत नहीं, डी के हिसाब से आई वन की जो इंटेंसिटी है क्या होगी, पहले सरफेस की इंटेंसिटी क्या होगी, दूसरे वाले से ज़्यादा होगी,
है ना। अब मान लो बात करते हैं कि यहाँ पर इस सरफेस पर जो लाइट की एनर्जी E1 है और दूसरे वाले पे क्या है मान लो E2 है, तो E1 और E2 में क्या रिलेशन है? तो आप कहोगे सर कि क्योंकि बल्ब तो आपका एक ही है, बल्ब तो आपका सिंपल एक है, वो पावर P निकाल रहा है, तो जो एनर्जी इस पर गिरेगी, एनर्जी तो सेम गिरेगी ना, जो एनर्जी यहाँ गिरेगी वही एनर्जी यहाँ भी गिरेगी, कहाँ जाएगी? अगर इसने क्या निकाला, अगर इसने एनर्जी निकाला मान लो 5 जूल, तो एक सेकंड में अगर यहाँ पर 5 जूल गिर रही, तो वो जो 5 जूल जब आगे बढ़ेगी तो वो इससे भी क्रॉस होगी ना, क्रॉस होगी। तो आप कहोगे इस केस में जो एनर्जी है E1 और E2 के बराबर होगी, है ना। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, ठीक है। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ओके बेटा जी। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो बेटा यहाँ आप लोगों ने देखा कि जो इंटेंसिटी है वो डी के साथ कैसे रिलेट हो रही है, डिस्टेंस के साथ, है ना। एक आपने बल्ब लिया जिसके पास पावर पी है, वो डिस्टेंस के साथ इंटेंसिटी कैसे वेरी कर रही है, उसको आपने यहाँ पर पॉइंट आउट किया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब डी की बात नहीं करेंगे, डी डिस्टेंस की इंटेंसिटी नहीं देंगे। अब देखेंगे हम दो बल्ब लेंगे, वो भी क्या है, अलग अलग पावर के बल्ब लेंगे। मान लीजिए एक बल्ब हमने ये लिया, दूसरा बल्ब हमने यहाँ मार्केट गए, मार्केट से हम दो बल्ब लेके आए। ये जो बल्ब है, ये जो लाइट निकाल रहा है, ये लाइट कैसे निकाल रहा है, वायलेट कलर की लाइट निकाल रहा है, ठीक है ना। कैसा कलर निकाल रहा है, ये वायलेट, यानी इसके पास जो वेवलेंथ होगी वो फिक्स होगी, कांस्टेंट होगी, वो चेंज तो होगी नहीं। इसके पास जो वेवलेंथ है लैम्डा वायलेट का है, ठीक है। ये दूसरा बल्ब जो है वो भी वायलेट कलर का ही कलर निकाल रहा है, बाहर लाइट निकाल रहा है, तो इसकी भी वेवलेंथ क्या होगी, जो वायलेट कलर की वेवलेंथ होगी, यानी। और इसकी पावर क्या रखा आपने, जो बाहर से लाया आप, जितने ये 100 वाट की बल्ब लाए आप, यहाँ पर 1000 वाट का बल्ब लाया, तो बल्ब तो पावर तो आपने अलग अलग लाया आप, लेकिन आपने क्या किया, दोनों का जो लाइट का कलर है वो दो सेम रखा। इसका मतलब दोनों की वेवलेंथ सेम होगी, दोनों कलर की वेवलेंथ क्या होगी, सेम होगी, लैम्डा दोनों के लिए सेम है। आई थिंक मैं आपको समझा पा रहा हूँ, बट दोनों में क्या डिफरेंस है, इसकी पावर अलग है, इसकी पावर क्या है, अलग है, ठीक है ना। तो एक सेकेंड में मान लो, एक सेकेंड में इसने कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स, अब ये क्योंकि लाइट निकल रही थी, फोटोन निकले हैं बाहर, अगर लाइट निकल रही है तो लाइट में क्या है, पैकेट ऑफ एनर्जी। तो मान लो एक सेकेंड में इसने जो फोटॉन्स निकाले, 1 2 3 4 5 6 फोटॉन्स निकाले, मान लो, एज्यूम कर लो, तो ये बताइए ये वाला बल्ब एक सेकेंड में कितने फोटॉन्स निकालेगा। तो कहोगे सर इसकी पावर ज्यादा है, तो ये एक सेकेंड में 6 फोटॉन से तो अधिक ही निकालने वाला है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड समथिंग, है ना। मतलब इसमें नंबर ऑफ फोटॉन एक सेकेंड जो निकलेंगे वो कम होंगे, और इसमें जो नंबर ऑफ फोटॉन एक सेकेंड में जो निकलेंगे वो ज्यादा होंगे, क्योंकि इसकी पावर क्या है, ज्यादा है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड इन यूनिट एरिया क्या होगी, लेस होगी, है ना। और जिसमें जो है नंबर ऑफ फोटॉन कम होते हैं, उसकी इंटेंसिटी भी क्या होती है, उस लाइट की इंटेंसिटी क्या होती है, कम होती है। यहाँ देखना, अभी इसके ऊपर हमने इंटेंसिटी को डिस्टेंस के साथ रिलेट किया था, अब यहाँ पर हम इंटेंसिटी को नंबर ऑफ फोटॉन से रिलेट करेंगे, ठीक है बेटा जी। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर एक सेकेंड में ज़्यादा निकल रहे हैं, इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, तो इस बल्ब की इंटेंसिटी क्या है, मान लो इसकी I2 है, मान लो इसकी I1 है, ये इंटेंसिटी इन 1 सेकेंड है। तो आप देख रहे हो कि I2 क्या होगा, I2 बड़ा होगा किससे बेटा जी, I1 से। क्यों? क्योंकि एक सेकेंड में नंबर ऑफ फोटॉन्स इसमें ज़्यादा निकल रहे हैं, इसमें कम निकल रहे हैं। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो, ठीक है ना। लेकिन मसला कहाँ क्रिएट होता है, प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है, कि इसके एक फोटॉन की एनर्जी क्या होगी, एक फोटॉन की अपनी एनर्जी क्या होगी। तो एक फोटॉन की एनर्जी होती क्या है, SC/λ, HB कांस्टेंट, CB कांस्टेंट और लैम्डा तो आपको दिया हुआ है। तो एनर्जी ऑफ वन फोटॉन क्या होगा, SC/λ होगा इस केस में। और इसमें भी क्या है, जैसे एक फोटॉन लिया आपने इसमें, वैसे इसमें भी एक फोटॉन लोगे, तो इस केस में एक फोटॉन की एनर्जी क्या होगी, SC/λ होगी। तो आप देख रहे हो दोनों बल्ब जो फोटॉन्स बाहर निकाल रहे हैं, उनका नंबर तो अलग अलग है, लेकिन अगर इंडिविजुअल फोटॉन की बात करें, एक फोटॉन की बात करें, तो एक फोटॉन की इंडिविजुअल जो एनर्जी है वो दूसरे बल्ब के फोटॉन के बराबर है, क्योंकि एक फोटॉन की एनर्जी जो है वो लैम्डा पर डिपेंड करती है,
किस पे करती है, लाइट की वेवलेंथ पर डिपेंड करती है, एच सी बाई लैमडा, और दोनों का लैमडा क्या है, सेम है। तो इन इन दोनों चीज़ों आपको क्या सीखने को मिला, आपको ये सीखने को मिला कि अगर दो बल्ब हैं सेम कलर बाहर निकाल रहे हैं, अगर दो बल्ब हैं सेम कलर बाहर निकाल रहे हैं, सेम वेवलेंथ बाहर निकाल रहे हैं, तो पक्का है कि उन दोनों में से जो निकलने वाला फोटोन होगा, इंडिविजुअल फोटोन जो होगा, पहले वाले का दूसरे वाले का, उनमें कोई अंतर नहीं होगा। जो पहले की एनर्जी होगी वही दूसरे की भी क्या होगी, एनर्जी होगी एक फोटोन की, ठीक है ना। लेकिन जो कुल एनर्जी एक सेकंड में कितनी निकल रही है, एक फोटोन की एनर्जी वही है जो इस फोटोन की है। लेकिन अगर हम टोटल एनर्जी एमिटेड इन वन सेकंड की बात करें, तो आप बताओ कि टोटल एनर्जी कितनी निकाला वन सेकंड में, ये मान लो एक की एनर्जी है एच न्यू, इसकी भी क्या होगी, एच न्यू होगी एक की, कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें जो टोटल एनर्जी होगी वो 8 एच न्यू होगी, है कि नहीं बेटा जी। और इसमें जो टोटल एनर्जी इन वन सेकेंड होगी 1 2 3 4 5 6 6 एच न्यू होगी। तो टोटल एनर्जी दोनों की अलग अलग है। अगर इसकी टोटल एनर्जी को हम ET लिखें, ET2, और इसकी टोटल एनर्जी को हम क्या लिखें, ET1। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ये है पहले की दूसरे वाले की और टोटल पहले वाले की। तो आप यहाँ कहोगे कि टोटल एनर्जी जो है पहले वाले की वो कम है किससे, टोटल एनर्जी किसकी, दूसरे वाले की टोटल एनर्जी। लेकिन दोनों में क्या है, एक एक फोटोन की जो एनर्जी है वो क्या होगी, एनर्जी ऑफ क्या होगा, पहले का वन फोटोन इज इक्वल टू क्या है, दूसरे का एनर्जी ऑफ सेकेंड वन फोटोन, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं लेकिन बड़े ही स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट हैं, प्लीज इसको आप लोग फोकस करना। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ फोटोन, ठीक है बेटा जी। आई थिंक इस बात को आप समझ गए जो मैं बोल रहा हूँ। तो अगर n फोटोन एक सेकंड में निकल रहे हैं, ठीक है ना, तो बताइए टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, ET कितना हो जाएगा भाई, NhN। n क्या है, n इज द नंबर ऑफ फोटोन इन वन सेकंड। तो n फोटोन अगर एक सेकंड में निकल रहे हैं, n फोटोन, और एक एक फोटोन की एनर्जी क्या है, hν है, तो टोटल एनर्जी कितनी निकली बेटा, टोटल एनर्जी निकली Nhν निकली, ये ठीक है ना, ये चीज आप लोग याद रखना। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट ये देख लिया आप लोगों ने, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें है। इसके बाद आप ये कहोगे कि टोटल एनर्जी ऑफ लाइट क्या होती है, देखो मैंने लिखा भी, अगर n क्या है, नंबर ऑफ फोटोन इन वन सेकेंड, तो Nhν होगी, है ना। अच्छा, टोटल एनर्जी फॉलिंग ऑन एरिया ए इन टाइम टी क्या होगी, ये तो मैं बताया, अब इसको समझाना पड़ेगा मुझे आपको, कि मैंने आपको अभी नहीं बताया, ठीक है बेटा जी, मैं इसको समझाता हूँ आप लोगों को। जैसे मान लो बेटा जी, ये थर्ड पॉइंट है, ठीक है ना, जैसे मान लो कि एक आपके पास सरफेस एरिया ऐसे है, ये सरफेस एरिया ये है, इस पर लाइट गिर रही है, मान लो ऐसे पूरी एरिया पे, और ये जो लाइट गिर रही है ना एरिया पे नॉर्मली ऐसे, इस लाइट की इंटेंसिटी आपको गिवन है आई, और इसकी वेवलेंथ क्या है, लैम्डा, ये आपको दिया गया है। तो बताइए कि फाइंड द एनर्जी फॉलिंग ऑन एरिया ए इन टी सेकेंड, मतलब आप कहोगे कि टी सेकेंड में कुल कितनी एनर्जी गिर गई ए एरिया पर, तो कैसे निकालेंगे, टोटल एनर्जी इंसिडेंट ऑन दिस एरिया, इंटेंसिटी आपको गिवन है उसको ले लेंगे, और जिस एरिया पर लाइट गिरी उसको ले लेंगे, इनटू जितने टाइम तक निकालना उसको ले लेंगे, ये ऐसे आई इंटू ए इंटू टी। तो आपके पास देखो टोटल एनर्जी का दो फार्मूला, एक तो एन एच न्यू फोटोन के फॉर्म में आ गया, कि नंबर ऑफ फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू है, और एन फोटोन निकल गए तो एन से मल्टीप्लाई करके निकाल लिया, टोटल एनर्जी निकाली आपने। और एक तरीका यह है कि अगर आपको मान लीजिए इंटेंसिटी दिया गया है, लाइट की इंटेंसिटी आपको दी गई है, वेवलेंथ भी आपको मान लो दिया गया है,
तो आपने कहा कि उस केस में अगर आपको क्या निकालना हो कि टोटल एनर्जी इंसिडेंट ऑन दिस एरिया इन टाइम टी सेकेंड, तो कहोगे आई ए इंटू टी, ठीक है ना। इसमें एक क्वेश्चन और अगर पूछता आपसे कि फाइंड द नंबर ऑफ फोटोन इन टाइम टी सेकेंड, तो जो ये लाइट यहां गिर रही है क्या इसमें फोटोन भी इस पे गिर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स यहां निकालनी है। तो आपको पता है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पता है कि जो ई टोटल होता है वो एन एच न्यू होता है, ठीक है ना। यहां पर दिया हुआ लैम्डा, तो न्यू कन्वर्ट कर लेंगे लैम्डा में, तो टोटल एनर्जी जो होगी वो एन एच सी अपॉन लैम्डा होगा, है ना बेटा जी। तो आप क्या करोगे यहां देखो, या तो आप ऐसे किया करो, मैं बताता हूं आपको, जब भी आपको नंबर ऑफ फोटोन निकालने हो तो आप पहले क्या निकाल लिया करो कि टोटल एनर्जी कितनी गिरने वाली है इस पर, टोटल एनर्जी जो गिरेगी उसको निकाल लो पहले, और उस टोटल एनर्जी में एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड कर दो। क्योंकि आपको पता है कि जब यहां देखो, यहां से जब आपको निकालना होगा, देखो यहां से जब आपको नंबर निकालना एन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको टोटल एनर्जी निकाल लो पहले, इसके बाद एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ फोटोन आ जाएगी। तो बताइए पहले, सबसे पहले बताओ यहां पर आपने क्या किया, टोटल एनर्जी क्या निकाला, आई ए इंटू टी, ठीक है, ये निकल गई एनर्जी। और आपको पता है कि टोटल जो एनर्जी होती है क्या होती है, अगर एक फोटोन की एनर्जी क्या है, एस सी बाई लैम्डा है ना, लैम्डा अगर दिया है, लैम्डा अगर दिया है तो आप एक फोटोन की एनर्जी बड़ी आसानी से निकाल लोगे। तो क्या होगी, एस सी बाई लैम्डा, तो क्या होगा तुम्हारा ई टोटल, क्या होगा एन एच है ना सी बाई लैम्डा, ये हो गई टोटल एनर्जी। आइए किसके बराबर आ गई है, आई ए इंटू टी टाइम, तो एन कितना बन जाएगा बेटा जी, बोलो आई ए इंटू लैम्डा अपॉन एच सी, और कितने टाइम के लिए, टी टाइम के लिए, ये नंबर ऑफ फोटोन आ गया, नंबर ऑफ फोटोन इन टाइम टी। अगर टाइम बोलता है वन सेकेंड तो आप यहां वन रख दोगे तो नंबर ऑफ फोटोन इन वन सेकेंड आई ए लैम्डा अपॉन एच सी आ जाएगा। इस तरीके से आप लोग नंबर ऑफ फोटोन को भी कैलकुलेट कर लोगे। आई थिंक मेरी बात समझ में आई, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे जो मैंने डिस्कस किया। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट होगा तो प्लीज़ हमसे आप उसको डिस्कस करना। ओके बेटा, थैंक यू।